Welcome back to my YouTube channel. This is Jason and you are watching Jaysenjx. आज हम आ गए हैं उदयपुर के शिल्पग्राम में. शिल्पग्राम गांव की कला व शिल्प का एक संग्रहालय है. शिल्पग्राम हफ्ते के सातों दिन खुला रहता है. इसकी टाइमिंग सुबह 11 बजे से शाम 7 बजे तक होती है. जो हाट है वो दोपहर में खुलता है रोज़, और इसका जो टिकट है वो आपका 50 रुपये इंडियंस का रखता है अडल्ट का, और जो बच्चे हैं 5 से लेकर 12 साल तक का उनका 25 रुपये, और अंग्रेज जो फॉरेनर्स हैं उनके लिए 100 रुपये, और यहाँ पे अगर आप कैमरा लेके आएंगे तो उसके 50 रुपये एक्स्ट्रा लगते हैं. और जो शिल्पग्राम में बेस्ट टाइम है घूमने का वो बोला जाता है दिसंबर के 21 तारीख से 31 तारीख के बीच में, जब एनुअल फेयर होता है यहाँ पे, मेला लगता है शिल्पग्राम का, तो जो हर साल होता है आप उस टाइम आ सकते हैं. और मेले में बहुत सारे अच्छे एडुकेशन बेनिफिट और एंटरटेनमेंट दोनों ही होता है. और ये उदयपुर से पश्चिम की दिशा में, शहर के पश्चिम की दिशा में 3 किलोमीटर दूरी पे स्थित है. और ये जो पूरा एरिया है 70 एकड़ का है, और जो कि चारों तरफ से अरावली की पहाड़ियों से घिरा हुआ है. महाराणा प्रताप एयरपोर्ट जो कि 23 किलोमीटर के आसपास है, उदयपुर रेलवे स्टेशन भी ऑलमोस्ट 2.5 किलोमीटर दूर है. यहाँ पे मेला होता है, और वो मेले में शिल्पग्राम एक एथनोग्राफिक म्यूजियम है जिसमें बताया जाता है कि वहाँ के लोगों के और वहाँ की संस्कृति के बारे में, और फोक्स जो भी फोक होते हैं इस रीजन के, जैसे राजस्थान आपका, गुजरात, महाराष्ट्र और इस साइड एरिया का, तो यहाँ पे वो सब दिखा बताया जाता है. और यहाँ पे इन सब के बारे में, ये संस्कृति कला और इन सब के बारे में अवेयरनेस फैलाया जाता है, उसके बारे में ज्ञान दिया जाता है. शिल्पग्राम एक अपॉर्चुनिटी देता है जितने भी गांव और शहर के आर्टिस्टों को, ताकि वो यहाँ पे एक साथ आए कैंप और वर्कशॉप के थ्रू, एक दूसरे का अपना नॉलेज, अपना ये सब चीज़ें बताए, लोगों को बताए, और एक दूसरे को भी सीखने को, ताकि उनसे मिले. यूरोपियन और मुग़ल हिस्ट्री के बारे में थोड़ा बहुत मिक्स होके जो कल्चर है राजस्थान का वो बताया जाता है. राजीव गांधी जी थे, उन्होंने शिल्पग्राम का उद्घाटन 1989 में किया था. ग्राम में जितने भी आर्किटेक्चर है वो छोटे 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 हट्स हैं यहाँ पे. यहाँ पे पुराने ज़माने के टाइप से सब कुछ बनाया गया है, और ताकि गांव वाली फीलिंग आ सके. जाता है यहाँ पे अराउंड 26 हट है, और जिसमें कि 5 राजस्थान को रिफ्लेक्ट करता है, 5 महाराष्ट्र को, 5 गोवा को, और 7 गुजरात. शिल्पग्राम में आप आके यहाँ पे देख सकते हैं, चीज़ें ख़रीद सकते हैं, यहाँ पे आप इंजॉय कर सकते हैं. यहाँ पे मेले के टाइम पे आर्ट वर्क, डांस, सॉन्ग, स्टंट, ड्रामा, ये सब दिखाया जाता है. आप यहाँ पे एकदम कारीगरी देख सकते हो, जो कि जिसमें मिरर वर्क होता है, बीड वर्क होता है, वीविंग होता है, पॉटरी होता है, एम्ब्रॉयडरी होता है, ये सब आप यहाँ पे आके देख सकते हैं कि कारपेंटर, पॉटरी वाले जो मतलब मिट्टी से बनाने वाले कुम्हार और लोहार, जितने भी ये नीडल वर्क वाले काम करने वाले होते हैं, और कैसे कैसे वो अपनी लाइफ जीते हैं, कैसे कैसे काम करते हैं, कैसे सीखते हैं, कैसे बनाते हैं, वो सब आप देख सकते हो, उनसे इंटरेक्ट कर सकते हो, उनके स्ट्रगल, उनके सक्सेस, उनके फेलियर, वो सब आप उनसे जान सकते हो. यहाँ पे एक ओपन एयर थिएटर भी है जिसकी सिटिंग कैपेसिटी 8,000 की है, जो कि मेजर फंक्शन, मेजर फेस्टिवल जब होते हैं मेन तब होते हैं. और यहाँ पे आप फेमस कैमल राइड भी कर सकते हो, जो कि 100 रुपये लिया जाता है. और ये ऊपर नीचे पहाड़ जैसा हल्का है, तो आपको अच्छे कंफर्टेबल शूज़ चाहिए, अपने साथ पानी का बॉटल ज़रूर कैरी कीजिएगा, और ताकि आप अच्छे से एक्सप्लोर कर सको. अपना कैमरा लाइएगा या तो आपका फ़ोन है, अच्छी फ़ोटो खींच सकते हो, और अच्छा अच्छा सब कुछ यहाँ पे
दिख सकता है, तो ये चीज़ें ज़रूर लाइएगा। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरे पास भी सब्सक्राइबर बढ़े, और ताकि मैं अपने जो अगले अगले और वीडियोज़ अपलोड करूँगा तो वो आप देखेंगे, देख पाएंगे।